As India has entered the Amrit Kal of its independence, the next 25 years will be a period of national development and glory. To further the bold vision of the Prime Minister of India of becoming a USD 5 trillion economy, the nation's business leaders, state governments and visionaries will have to collectively work towards this singular agenda and drive economic change. बीते तीन वर्षों में जब विश्व कभी कोरोना कभी युद्ध कभी प्राकृतिक आपदा की चुनौतियों से गुजर रहा था तो उसी समय भारत ने और भारत के लोगों ने एक अद्भुत संकल्प एक अभूतपूर्व शक्ति का प्रदर्शन किया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि एंटी फ्रेजाइल होने का असली मतलब क्या होता है। आप सोचिए कहां पहले फ्रेजाइल फावी की बात होती थी, वहीं अब भारत की पहचान एंटी फ्रेजाइल से होने लगी है। और भारत ने 21वीं सदी के तीसरे दशक की बुनियाद बनाई है, साल 2023 में प्रवेश किया है। भारत के इस सामर्थ्य की गूंज आज ईटी ग्लोबल समिट में भी सुनाई दे रही है। साथियों, आज भारत की समृद्धि में दुनिया की समृद्धि है, भारत के ग्रोथ में दुनिया की ग्रोथ है। भारत ने G20 की जो थीम तय की है, वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, दुनिया की अनेक चुनौतियों का समाधान इसी मंत्र में है। साझा संकल्पों से, सबके हित की रक्षा से ही ये दुनिया और बेहतर हो सकती है। ये दशक और आने वाले 25 साल भारत को लेकर अभूतपूर्व विश्वास के हैं। सबके प्रयास से ही भारत अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करेगा। मैं आप सभी का आह्वान करूंगा कि भारत की विकास यात्रा से ज्यादा जुड़ें। और जब भारत की विकास यात्रा से जुड़ते हैं आप, तब भारत आपको विकास की गारंटी देता है।